गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं रवि कुमार, स्वागत करता हूँ हमारे भारतीय जनता के चैनल में। मेरे साथ बने रहिए, आगे मैं आपको बताऊंगा आज कुछ खाना खबरों के बारे में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेटा और बहू के द्वारा प्रताड़ित होने के बाद एक बुजुर्ग आदमी तमिलनाडु से ट्रेन में बिलपहार चले आए थे। तमिलनाडु पुलिस और राज्य प्रशासन की तरफ से उसे अपने राज्य को लौटने में मदद की जा रही है, ऐसा कहा सामाजिक कार्यकर्ता आलोक त्रिपाठी ने। NH-49 से सुंदरगढ़ जिले के NTPC दर्लीपाली का संयोग करता हुआ रोड पर निर्मित रेल ओवरब्रिज पर दरार होने की शिकायत की गई है। ये रोड का काम रेलवे की तरफ से पिछले अप्रैल में सम्पन्न हुआ था। इस कोरोना महामारी के समय में देश में व्यवसायी बहुत ही मुश्किल का सामना कर रहे हैं। जबकि सभी छोटी दुकानें बंद हैं, तभी हर चीज़ अमेजोन, फ्लिपकार्ट और अन्य ई कॉमर्स कंपनियों से उपलब्ध हो रही हैं, जिस वजह से 7 लाख से अधिक छोटी दुकानें बंद होने वाली हैं। झारसुआ डिस्ट्रिक्ट चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने PM को पत्र लिखकर इन कंपनियों पर भी प्रतिबंध लगाने को अनुरोध किया। NH-49 नुआढ़ी स्थित टोलगेट में बिजली गिरने के कारण लाखों रुपये की मशीनरी जल गई। आज किसी भी वक्त ओडिशा सरकार के द्वारा कुछ जगहों पर कोरोना के केसेस कम होने के कारण अनलॉक को लेकर एक बड़ा ऐलान होने की संभावना है। झारसुगुड़ा नगर पालिका के BTM के वार्ड नंबर 7 में रहने वाले लोगों ने ये कंप्लेन किया है कि नगर पालिका द्वारा कैनल्स की सफाई नहीं हो रही है। साहसबागा और जामगा के बीच में साइकिल सवार को टक्कर मारा एक पिकअप ने, दोनों को लखनपुर हॉस्पिटल भेज दिया गया। एक व्यक्ति की मौत हो गई और दूसरा गंभीर रूप से घायल है। लखनपुर पुलिस टेबना नदी के तट पर छापे मारकर 4 क्विंटल मोहा पोछा को नष्ट किए। झारसुआ जिले में जब्त की गई नकली मेडिसिन के मामले में झारसुआ ड्रगिस्ट एसोसिएशन की ओर से एक प्रेस मीट किया गया था, जिसमें जिले में जो भी होलसेलर मेडिसिन लेंगे उसकी ओरिजिनेटी सर्टिफिकेट को देखकर संघ के द्वारा अनुमति देने के बाद वो मेडिसिन जिले में बेची जा सकती है, ऐसा एग्जीक्यूटिव बॉडी का फैसला हुआ। पुलिस खोल जामकानी गाँव में छापा मारकर शराब बेचने वाले 2 महिलाओं को पकड़ा। अवैध रूप से शराब बेचने के लिए उनके खिलाफ थाना में शिकायत दर्ज किया गया है। बेलपहाड़ अंतर्गत एक 25 वर्षीय महिला की अश्लील फोटो वायरल करने के आरोप में बेलपहाड़ पुलिस जामकानी गांव के 32 वर्षीय सामंत मिर्दा को गिरफ्तार करके कोर्ट चालान किए। झारसुगुड़ा में बीते 24 घंटे में आए 12 नए कोविड पॉजिटिव के मरीज। इसी के साथ झारसुगुड़ा में कोरोना के एक्टिव केस पहुंचे 247 तक। बीते 24 घंटे में 72 कोविड के मरीज कोरोना से ठीक होकर घर को लौटे हैं। चलती हुई ट्रक में लगा आग। झारसुगुड़ा के ब्लैक डायमंड कॉलेज जाने वाले रास्ते पे एक चलती हुई ट्रक में अचानक आग लग गई। ट्रक में आग लगा हुआ देख ट्रक ड्राइवर वहां से भाग निकला। लेकरा थाना अंतर्गत साहसुर फांडी एरिया में गाय की हत्या करने के आरोप में 4 युवकों के गले में रस्सी लगाकर पूरे गांव में घुमाया गया। हेलो एवरीवन, दिस इज सुधा अवस्थी फ्रॉम उड़ीसा झारसुगुड़ा। मैं एक प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट हूँ। मैंने 2019 में मिसेस आइवा गॉर्जियस का खिताब जीता था। फिर 2020 में मिसेस पॉपुलर क्वीन का ट्राई किया। कई सारे मेकअप मैंने अपने ऊपर किए। उसके बाद अब मैं कई मेकअप, मैं सारे मेकअप्स कवर करती हूँ। प्रोस्थेटिक मेकअप, सेलिब्रिटी मेकअप, ब्राइडल मेकअप, पार्टी मेकअप। मैंने कई सारे कॉम्पिटिशन में भी पार्टिसिपेट किया, शो किए हैं। उसके बाद मैं खुद भी एक ऑर्गेनाइज़र हूँ। मैंने कई सारे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किए हैं। कुछ दिन पहले मैंने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया था मेकअप कंपटीशन का, जिसमें कई सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया। लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा मिला, तो मैं कोशिश करूँगी ऐसे कई सारे लोग जिन्हें मौका नहीं मिल पा रहा है आगे बढ़ने का, उनको आगे लेकर आऊँ, ताकि उन पर एक आत्मविश्वास जगे। के फील्ड में भी प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट, सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट, सालों से इस फील्ड में काम कर रही हूँ। मैं कई सारे जगहों पे मेकअप प्रोवाइड करती हूँ, जैसे भुवनेश्वर, बलंगीर, संबलपुर, कोरबा, रायपुर। एक फ्रीलांसर भी हूँ और लोकल एरिया में भी मेकअप प्रोवाइड करती हूँ। मैं मेकअप की ट्रेनिंग्स भी प्रोवाइड करती हूँ और कई सारे बैचेस मेरे चल रहे हैं। कई सारे स्टूडेंट सीख कर गए हैं जो अभी अपना काम कर रहे हैं और वो भी बहुत खुश है। और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कि मेरे स्टूडेंट इतनी जल्दी इतना अच्छा वर्क कर रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे भारत झारसुगुड़ा के Facebook, Twitter और YouTube चैनल को।